भाई 10 किलोमीटर ऊपर आते ही मनाली से ये देखो बर्फ। ये भाई एक नंबर सीन है। हम लोग कर रहे हैं भाई अटल टनल को क्रॉस। तो भाई सुनील भाई देखो क्या बना रहे हैं। सुनील भाई क्या बना रहे हो? सुनील भाई खुद को बना रहे देख लो। तो भाई होते हैं अटल टनल से रवाना आगे। ठीक है हमें जाना है भाई काजा की तरफ। तो यहाँ से इस तरफ वाला रास्ता ले पेंगोंग वाले की तरफ जाता है। और हमें जाना है रोहतांग की साइड ले और कारगिल श्रीनगर। और हमें जाने का है भाई इस साइड। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन काजा। क्या चेक कर रहा लो भाई मेरे? ये क्या रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा इधर? क्या भैया पर्ची कटी भाई? किस की पर्ची है ये? नेशनल एरिया डेवलपमेंट की। इसके क्लॉज लगता है चार्ज भाई? का भी चार्ज लगता है 50 रुपये। क्या प्राइस है अंकल इसका? 50 रुपये बाइक के कटती है कटती है ये कचरा। पर देखो भाई एक साइड पूरा बर्फ बर्फ और ये पूरा सूखा। यहाँ से हरियाली खत्म। ये लोग बाग एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया तरीके से और एक हम हैं चले जा रहे हैं। रुकने का तो कोई नाम ही नहीं। क्या करें आगे तक जाना है हमें भाई। साइड में हट जाओ साइड में। ना। अभी एक चोट हो गई। ये आर्मी वाले बैठे हैं इधर मिलिट्री वाले, ये बोल रहे हैं कि आगे रोड बंद हो चुका है काजा से क्योंकि अक्टूबर में ही बंद हो जाता है। ये बोल रहे हैं कि अक्टूबर में बंद हो जाता है। आप तो बोलो नवंबर में आए हो और आगे रास्ता क्लोज है बिल्कुल, तो ये वाला टूर तो हम आगे कर नहीं पाएंगे। ये है गोला और ये है बगोला। बगुले के पास जाएगा गोला। गया नहीं, निशाना चूक गया। तो भाई सुनील भाई देखो क्या बना रहे हैं। सुनील भाई क्या बना रहे हो? सुनील भाई खुद को बना रहे देख लो। तो भाई ये वाला रास्ता जाता है काजा की तरफ और हमें काजा जाने नहीं दिया जा रहा है बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और ये वाले रास्ते हैं जो अक्टूबर में हो जाते हैं बंद। तो भाई हमें पता नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तब काजा की तरफ जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग प्लान को कर रहे हैं चेंज। हम जा रहे हैं कसोल। कसोल में जाके ट्रैकिंग वगैरह करेंगे। फ़िलहाल अभी टाइम हो रहा है 1:26। ठीक है और अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से वापस। Looking for joy. I don't wanna have it. I'm better on my own. Better on my own. Please visit. बहुत ही अच्छी जगह है। और बाइक पे आना चाहते हो तो बाइक पे आओ, गाड़ी में आना चाहते हो तो गाड़ी में आओ। और जो लोग बाइक पे आना चाहते हैं वो ये सोचते होंगे कि भाई कौन सी बाइक पे आया जाए कौन सी पे नहीं, हमारे पास हैवी हो तभी आए। तो एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि बाइक वाइक का कोई सीन नहीं है, जो आपको पसंद हो वो बाइक लेके आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो रास्ता इतना बड़ा लंबा रास्ता है जो स्प्लेंडर ने कवर कर दिया, तो आप सोच के चलो कि कौन सी गाड़ी नहीं कर सकती। हर गाड़ी क्रॉसिंग कर देगी आराम से मनाली, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपेंस का अगर आप लेके चलो एक कॉस्टिंग, मैं अराउंड कॉस्टिंग बताऊँ आपको, तो यूँ मान के चलो कि सुनील की गाड़ी थी ये स्प्लेंडर है जो लेके आए हैं अभी हम, तो इस वाले में 2 बार तो आते हुए फुल टैंक करवाया है और 2 बार जाते हुए मान लो, और एक एक्स्ट्रा और मान लो आप,
तो कहने का मतलब चार एक हज़ार रुपये का पेट्रोल डालेगा आपको, और इससे अच्छी कोई महंगी गाड़ी लाते हो या फिर कोई हैवी सीसी में लाते हो 200 सीसी में 150 सेगमेंट में तो वो भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें थोड़ा सा एक्सपेंस थोड़ा बढ़ा लीजिए आप पेट्रोल का, इतनी चीज़ें, बाकी कुछ नहीं है। खाने वाने की जो भी चीज़ें हैं, बस हाँ फ़र्क ज़रूर है भाई, लो ये चीज़ बता दूँ, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कॉस्टली हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इतना भी मत सोचो कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें कॉस्टली हैं। और बाकी इसके अलावा भाई आपका अलग कोई एक्सपेंस होता हो या आप पीने वाले उससे बिलोंग करते हो, जैसा भी जो भी कुछ है, तो वो आप अपना अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और बाकी विज़िट करिए, बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर आप बाइक लेके आना चाहते हो इधर, तो मैं तो आपको ये सजेशन करूँगा कि आप अक्टूबर नवंबर में आओ, सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बर्फ़ भी देखने को मिल जाएगी और ठंड भी रहती है, और रोड पे ठंड नहीं रहती। सबसे मेन चीज़ तो अच्छी बात यह है कि रोड पे ठंड नहीं रहती, तो इस वजह से क्या है कि आपको बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नथिंग इज दैट। और अभी हम लोग आ गए हैं अटल टनल। अभी यहाँ से सर्दी लगना तो ये मान लो बॉस वो भयंकर सर्दी लगेगी इधर से, तो अभी खींच देते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कसोल, और कसोल यहाँ से 24 किलोमीटर दूर। भाई अभी तक मोगली चला रहा था बाइक, अभी मैंने लिए तो भाई अंधेरा तो होने लग गया है, और टाइम 5:30 के आसपास हो रहा है। ये वाली गाड़ी है जो थोड़ा टाइम इसका मिस्टेक है, तो इसको सही करेंगे अपन कल। फिलहाल मिलते हैं कसोल जाके, और पास में बैरियर नदी और रास्ता, तो ये रिटर्न जाते टाइम देख आएंगे, क्योंकि अभी अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं क्लियरली, बाकी जितना विजिबल है उतना देख लो, ठीक है ना। पहुंच गए कसोल, अभी करते हैं रुकने का जुगाड़ कहीं ना कहीं। तो भाई नाइट के खाने में पनीर, दम आलू और बिरयानी, ठीक है, खा पी के सो जाएंगे, है ना।